देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग सीक्वेंस इन द लेटर सीरीज। ठीक है, ये जो सीक्वेंस में लेटर दे रखा है ना, तो आपको बताना है कि ये मिसिंग जो चार लेटर्स है ये क्या है। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस से आपको पता करना है कि मिसिंग जो चार लेटर्स है वो क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे ना, ये जो लेटर्स दे रखा है आपको, इसको क्या करेंगे, पहले तो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किस सीक्वेंस में है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले ए से जेड तक के ए से जेड तक को हमने क्या किया, नंबर दे दिया। ठीक है, 1 से लेकर 26 तक क्या किया हमने, नंबरिंग कर दिया। अब आपका काम क्या है ना कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो लेटर्स दे रखा है आपको वो पहले लिखिए, LNP। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है चार लेटर्स कौन से होंगे। देखिए पहले तो ये आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट में कितने लेटर्स है, 1 है, सेकेंड में कितने लेटर्स है, 2 है, थर्ड में कितने लेटर्स है, 3 है। तो यहाँ पे जो भी लेटर्स होगा ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, आप बी को नंबरिंग कीजिए, बी का क्या है, 2 है। एफ को नंबरिंग करेंगे, 6 से है। एच का नंबरिंग क्या है, 8 है। एल की नंबरिंग क्या है आपका, 12 है। एन की नंबरिंग कितनी है, 14, और पी की 16। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे ना कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +4 का डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना, +4 का डिफरेंस है। बट यहाँ पे जो दो लेटर्स है आपस में, इसके बीच में कितने की डिफरेंस है, +2 की डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसके दोनों के बीच में कितने की डिफरेंस है, +4 की डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे कितने की डिफरेंस है देख पा रहे होंगे, +2 की डिफरेंस है, यहाँ भी +2 की डिफरेंस है। ठीक है, तो जब यहाँ से जब हम इसको जब फिलअप करेंगे ना, यहाँ पे जब इसको फिलअप करेंगे, इस प्लेस को जब फिलअप करेंगे, तो ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, +4 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 16 में +4 ऐड, जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 देख लीजिए, 20 क्या है, तो टी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, इस दोनों के बीच में कितने की डिफरेंस है, +2 की डिफरेंस है। यहाँ भी दोनों के बीच में कितने की डिफरेंस है, +2 की डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे टी के बाद कोई भी जो लेटर्स होगा ना, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 का होगा। तो टी में 20 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी आ जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। फिर एक्स में 2 को ऐड करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो आपका पास जो लेटर्स आया है ना, लेटेस्ट क्या आया आपका, TVXZ। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका क्या है, ये सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये किस सीक्वेंस में है। ठीक है, ये आपको पता नहीं चलेगा किस सीक्वेंस में है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो लेटर्स दे रखा है, जो लेटर्स दे रखा है, इसको क्या करेंगे आप, नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर से रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे कि सबको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा ना कि ये किस सीक्वेंस में ये सारा नंबर आपस में ये अरेंज है। ठीक है, तो आप इजीली वे से आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर। द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन डिफाइन एज द नंबर एक्स सच दैट ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए फॉर एनी ए इज। ठीक है, आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, जहां पे ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए आना चाहिए। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, a ऑपरेशन x को आप क्या लिख सकते हैं, इसके अनुसार a ऑपरेशन x को क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू a है। आप क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस ए प्लस एक्स इक्वल टू ए है। ठीक है, ये ए से एक कट गया। ठीक है, यहाँ से जब x आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, आपको x की वैल्यू ही क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना कि x के किस वैल्यू के लिए, एक x के किस वैल्यू के लिए जब हम ऑपरेट करेंगे ना, ए ऑपरेशन x करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, रिटर्न होकर ए ही आएगा। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, a ऑपरेशन
ए ऑपरेशन जीरो चेक करेंगे ना, तो आपके इसके अनुसार क्या आ जाएगा, ए डॉट जीरो प्लस ए प्लस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस जीरो इजकल टू ए, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फंक्शन वाई इजकल टू एल एन मॉडलस ई पावर मॉडलस ऑफ साइन मॉडलस ऑफ एक्स फॉर मॉडलस ऑफ एक्स लेस देन टू पाई, हेयर एक्स रिप्रेजेंट दी एब्सिसा एंड वाई रिप्रेजेंट दी ऑर्डिनेट। आपको बताना क्या है ना कि ये फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कौन सी ग्राफ होगी, ये फंक्शन की करस्पॉन्डिंग कौन सी ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो मॉडलस के अंदर में है ये वाली वैल्यू ई पावर मॉडलस ऑफ साइन मॉडलस ऑफ एक्स, ये वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब आप एक्स की ग्राफ खींचते हैं, फंक्शन ई एक्स की जब ग्राफ खींचते हैं, तो इसकी ग्राफ क्या होता है आपका, ठीक है, ग्राफ ये होता है। इसका रेंसेट की जब बात करेंगे, आप रेंसेट की जब बात करेंगे, तो ये क्या होगा आपका, ओपन जीरो से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ओपन जीरो से क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सिंपली क्या होगा, ये जो फंक्शन है सिंपली क्या होगा, मॉडुलस से बाहर हो जाएगा। जब मॉडुलस से बाहर हो जाएगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, एल एन ई ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या ना, एल एन में ये बेस ई छुपा हुआ है, ठीक है। जब ये कहाँ, यहाँ पे ई बेस छुपा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे एक फार्मूला होता है आपका एल एन ई, तो बेस में छुपा ई पावर एक्स होगा ना, तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ साइन मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होगा ना, कि सबसे पहले इसका ग्राफ स्केच करने का, ठीक है। पहले क्या कीजिए, इसकी ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। तो जब इसकी ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना, तो पहले इसकी ग्राफ पहले ड्रॉ कर दीजिए। पहले तो पॉजिटिव के लिए हम ड्रॉ करते हैं, तो साइन पॉजिटिव एक्स के लिए जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना, तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ एक्स होने की वजह से क्या होता है ना, कि कुछ भी कोई भी जब ये निगेटिव आएगा, जब निगेटिव आएगा तो ये मॉडुलस क्या करेगा, उसको मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। जब निगेटिव की ओर जब आप आएंगे ना, निगेटिव की ओर जब आप आएंगे, तो कोई भी वैल्यू जब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे, तो साइन को मिलेगा कौन सी वैल्यू, साइन को मिलेगा कौन सा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो साइन को जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा, तो हमें पता है कि ये ग्राफ क्या होगा आपका, फिर इस तरीके से रन करना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, मॉडुलस ऑफ साइन मॉडुलस ऑफ एक्स की ये क्या है, ग्राफ है, ठीक है। आप इस ग्राफ में जब फिर से इसको जब मॉडुलस ले लेंगे, ये ग्राफ हो गई आपकी साइन मॉडुलस ऑफ एक्स की, ये ग्राफ हो गई, ठीक है। फिर इसको यदि आप मॉडुलस जब ले लेंगे, जब मॉडुलस ले लेंगे इसका, तो ये क्या होगा ना, कि जो निगेटिव में जो नीचे में जो ग्राफ है, ये जो नीचे में जो ग्राफ दे रखा है ना, नीचे में जो ये ग्राफ है, ये क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये नीचे के वाले पोर्शन क्या होगा, कट जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से देखिए, आपको इसका ग्राफ बताना, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस में ई पावर मॉडुलस साइन मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है ना, आपको ई के पावर कुछ भी होगा ना, ये ऑलवेज क्या होगा ना, पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ये मॉडुलस से क्या किया हमको, इसको सिंपली बाहर निकाल दिए, तो एल एन ई पावर में क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। और हमें पता होता है कि एक फार्मूला एल एन ई पावर एक्स होगा, तो ये एक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो मॉडुलस ऑफ साइन मॉडुलस ऑफ एक्स होगा। हम क्या किए, पहले साइन मॉडुलस ऑफ एक्स की ग्राफ स्केच किए, तो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स की जो ग्राफ होगी आपका, ये होगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा। और इसी को क्या करेंगे, ऐसे आप कह सकते हैं, जब भी साइन मॉडुलस ऑफ एक्स की ग्राफ जब स्केच करते हैं ना, तो ये क्या होता है, मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है।
लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है मिरर इमेज अबाउट दी वाई एक्सिस, तो ये क्या हुआ आपका मिरर इमेज हो गया, ठीक है मिरर इमेज हो गया। और फिर से जब इसमें मॉडुलस लगाएंगे, जब फिर से इसमें जब मॉडुलस लगाएंगे ना, तो जो निगेटिव साइड में जो एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है, ये सिंपली क्या होता ना, फिर ये जाकर ऊपर में ये ग्राफ, ये मिरर इमेज आ जाता, ठीक है। जो नीचे में जो दे रखा है ना एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है, ये क्या होता है मिरर इमेज हो जाता है अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा ऊपर का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ग्राफ आपके पास क्या मिल गया, ये वाली ग्राफ मिल गया, ठीक है ये वाली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए माइनस बी इज इवन, विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए माइनस बी क्या है, इवन है। ए माइनस बी क्या है, इवन है। तो ए माइनस बी इवन है, ये इंप्लाई करेगा कि आपका क्या होगा, बोथ आर इवन, बोथ आर इवन होगा नहीं, और क्या होगा, या क्या होगा आपका बोथ आर ऑड होगा, ठीक है ठीक है। जब a माइनस बी इवन है तो ये इंप्लाई करता है कि या तो दो दो इवन नंबर होगा या तो दोनों क्या होगा ऑड नंबर होगा, क्योंकि एक इवन एक ऑड रखेंगे ना, तो क्या होगा इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो क्या होगा ऑड आ जाएगा, या तो ऑड में से इवन को माइनस करेंगे फिर भी आपका ऑड आ जाएगा। तो आपका जब भी a माइनस बी यदि इवन दे रखा है तो दोनों या तो इवन होगा या तो दोनों क्या होगा ऑड नंबर होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या आपका, आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर, इसमें से कौन सा नंबर आपका इवन नंबर है, ठीक है। इसमें से कौन सा नंबर आपका इवन नंबर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन में ये इवन नंबर, जब मान लीजिए कि आपका दो नंबर आपने लिया, एक नंबर लिया है आपने 7 और दूसरा लिया है आपने 3, जब इन दोनों को जब सबट्रैक्ट करेंगे 7-3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर है। बट जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 21, जो कि इवन नंबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में आपको कह रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ये इवन होगा। देखिए यही सेम लेके चल जाइए, यही वाला आप ऑप्शन लेके चलेंगे, 7,3 ले लीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 1 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ये क्या आ जाएगा आपका 59 आ जाएगा, ठीक है ये 59 हो जाएगा, जो कि ये इवन नंबर नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन की ओर देखिए, सी ऑप्शन में आपका कह रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 क्या ये इवन नंबर होगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल आप ले लीजिए, 4,2 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का जब सबट्रैक्ट करेंगे 4-2 करेंगे तो ये क्या होगा आपका इवन नंबर होगा, ये क्या होगा आपका इवन नंबर होगा, जो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। बट जब आप 4² + 2² + 1 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, हर केस में इसको आप जब चेक करेंगे ना तो ये होल्ड होगा, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए कपल हैज टू चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ द ओल्डर वन इज बॉय इज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई कपल है, उसके पास दो चिल्ड्रेन है, जिसमें से ओल्डर वन के बारे में दे रखा है कि वो क्या है बॉय है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो सेकेंड चिल्ड्रेन जो होगा वो भी क्या होगा बॉय होना चाहिए, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में दे रखा है ना कि कोई कपल है, कपल है, उनके पास दो चिल्ड्रेन है, जिसमें से ऑलरेडी जो ओल्डर है वो बॉय दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी क्या है बॉय दे रखा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड के बॉय आने की चांसेस क्या होगा, ठीक है। तो ये तो आपका बॉय का आने के चांसेस क्या है, तो ये तो क्या हुआ आपका इवेंट हो गया, ये क्या हुआ आपका इवेंट हो गया, ठीक है। बट हमारे पास सेकेंड को तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ बॉय ही आएगा, हो सकता है बॉय भी आ सकता है, हो सकता है तो गर्ल्स भी आ सकता है, ठीक है, गर्ल्स भी हो सकता है। तो आपका ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका सैंपल स्पेस हो गया, ये क्या हुआ आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है।
ये क्या हुआ आपका सैंपल स्पेस हुआ। तो जब प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हैं किसी भी इवेंट का, तो ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में क्या करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इवेंट कितना है आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट कितना है वन है, क्योंकि बॉय की ही प्रोबेबिलिटी तो चाहिए, तो वन अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या तो बॉय हो सकती है या तो गर्ल्स, या तो बॉय होगा या तो गर्ल्स हो सकती है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, टू आ गया, तो वन अपॉन टू। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी कपल के पास दो चिल्ड्रेन है जिसमें से हमें कह रहा है कि जो ओल्डर वन है वो बॉय है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय। ठीक है, तो सेकेंड भी बॉय आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ओल्डर वन तो ऑलरेडी दे रखा है, तो सेकेंड हमारा क्या है बॉय होना चाहिए, तो ये तो हमारा इवेंट है, बट पॉसिबिलिटी तो बॉय भी हो सकता है या तो गर्ल्स भी हो सकती है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास ये क्या है आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस हो गया, ये क्या है आपका इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट आपका वन दे रखा, सैंपल स्पेस टू दे रखा, तो वन अपॉन टू आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी लुक्स एट क्यू व्हाइल क्यू लुक्स एट आर, पी लुक्स एट क्यू व्हाइल क्यू लुक्स एट आर, P इज मैरिड आर इज नॉट, P के बारे में दे रखा है ना कि ये क्या मैरिड है और R क्या नॉट मैरिड। तो हमसे पूछ रहा है ना कि द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीपल इन विच ए मैरिड पर्सन इज लुकिंग एट एन अनमैरिड पर्सन। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि हम आपको बताना है पेयर जिसमें से जो मैरिड पर्सन देख रहा है अनमैरिड पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यू के बारे में क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मैरिड है ये है या अनमैरिड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे केस लेके चलेंगे, केस लेके चलेंगे, केस वन में हम मान लेते हैं, केस वन में मान लेते हैं कि इफ क्यू इज मैरिड। ठीक है, इफ क्यू इज मैरिड, क्यू मैरिड होगा, क्यू यदि मैरिड है तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैरिड पर्सन अनमैरिड को देख रहा हो, क्योंकि ये भी मैरिड है और ये भी क्या मैरिड है, तो ये वाला केस तो पोस्ट काउंटिंग तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा था नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीपल इन विच ए मैरिड पर्सन इज लुकिंग एट एन अनमैरिड पर्सन, तो ये मैरिड क्या हो रहा है अनमैरिड को क्या कर रहा है देख रहा है, तो यहाँ से आपका एक पेयर पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका एक पेयर पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये वाला केस तो आप काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ ये भी मैरिड है, पी भी या क्यू भी मैरिड है, तो आपको मैरिड नहीं काउंट करना, आपको मैरिड अनमैरिड आपको काउंट करना है, तो यहाँ से आप एक काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही पॉसिबल है काउंटिंग। सेकेंड केस लेके चलिए, केस टू में लेके चलेंगे, इफ क्यू इज नॉट मैरिड। ठीक है, इफ क्यू इज नॉट मैरिड, जब क्यू मैरिड नहीं होगा, यहां पे मान लीजिए कि ये नॉट मैरिड है क्यू, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि मैरिड पर्सन अनमैरिड को देख रहा हो, मैरिड पर्सन अनमैरिड को देख रहा हो, तो यहां से मैरिड पर्सन मैरिड को देख रहा है, तो यहां से एक तो काउंट कर लेंगे, यहां से एक काउंट होगा, बट ये वाला काउंट नहीं कर सकते क्योंकि नॉट मैरिड अनॉट मैरिड, तो आपको काउंटिंग का क्या करना है मैरिड से अनमैरिड पे काउंट करना है, तो ये बट यहां पे क्या नॉट मैरिड नॉट मैरिड, तो ये वाला केस तो काउंट करेंगे नहीं, बस यहां से ये होगा। तो आपने दोनों केस से ये फाइंड आउट किया ना, आपने दोनों केस से यही फाइंड आउट किया है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऐसे पर्सन जो मैरिड पर्सन को अनमैरिड को देख रहा है, ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन आए, तो वही तो आए, क्योंकि आप दोनों केस लेके चले, मैरिड भी लेके चले अनमैरिड भी लेके चले, दोनों केस में कितना आ रहा है एक ही आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर एंगल क्यू इज ए राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है आपको राइट एंगल दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है,
अब पी एस इज टू क्यू एस इजकल टू 3:1 दे रखा, ठीक है, पी एस इज टू क्यू एस इजकल टू कितना दे रखा आपको, 3/1 दे रखा, ठीक है। और आर टी इज टू क्यू टी कितना दे रखा है आपको, 5/2 दे रखा, ठीक है। एंड पी यू इज टू यू आर कितना दे रखा आपको, 1:1 दे रखा, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्रेंगल क्यू टी एस, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्यू टी एस ये वाला जो है ना, इसका एरिया कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, तो आपको इसका एरिया बताना है। पी क्यू आर जो ये जो दे रखा है ना, इसका एरिया क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। इसका एरिया क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं पी एस कॉमा पी एस इज टू क्यू एस को, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3x/x, क्योंकि जब x x आपस में फिर कट के क्या होगा, 3/1 आ जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं 3x/x लिख सकते हैं। उसी तरह RT/QT को भी तो ये लिख सकते हैं 5y/2y लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये yy कट के फिर क्या आ जाएगा वापस में, 5/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी एस कितना है आपका, 3x है, और क्यू एस कितना आ गया आपका, x आ गया, ठीक है। RT/QT 5y/2y है, ये क्या होगा आपका, 5y है, और नीचे वाला कितना हो गया, ये वाला लेंथ 2y है, ठीक है। आपको इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल TQS, एरिया ऑफ ट्रायंगल QTS इज कर लू क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना दे रखा है x क्रॉस हाइट, हाइट कितना है आपका 2y है, ये 2 से ये 2 कट गया, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल QTS कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 20 इज कर लू कितना है आपका xy, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना है आपका, 3x+x 4x है, 4x क्रॉस हाइट, हाइट कितना है आपका, 7y और 5y+2y 7y, ये 7y हो गया, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना, हाफ क्रॉस 4x7 क्रॉस xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 20, तो यहाँ पे आप 20 कर दीजिए, ठीक है, 2 से इसको कट कर देंगे 10 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा आपका, 7×4=28, और ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नहीं दे रखा, ये आप आ जाएगा आपका 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2π साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर बोथ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ स्केच करना है 0 से 2π के बीच में, और देखना है किस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए पहले साइन एक्स की ग्राफ स्केच करिए 0 से 2π के बीच में, साइन एक्स की ग्राफ आपको पता है ना 0 पे 0 देता है, ठीक है, ये क्या है वैल्यू 0 है, ये क्या है वैल्यू π/2 है, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है, क्योंकि 0 से 2π के बीच में ही ग्राफ स्केच करना है। आप कॉस एक्स की ग्राफ को खींचिए, कॉस एक्स की ग्राफ क्या होता है ना, 0 पे वैल्यू कितना देता है, 1 देता है, ठीक है, तो यहां से आएगा इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए आपको बताना है कि किस इंटरवल में दोनों फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए 0 से π/2 के बीच में,
जीरो से पाई बाई टू के बीच में जब चेक करेंगे, ये वाली फंक्शन क्या है आपका, रेड वाली फंक्शन क्या है, ये साइन एक्स है, ठीक है। अब ब्लैक वाला जो फंक्शन है ये कौन सा है आपका, कॉस एक्स है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जीरो से पाई बाई टू के बीच में साइन एक्स ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, बट कॉस एक्स फंक्शन क्या कर रहा है, कॉस एक्स फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि साइन एक्स कॉस एक्स बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए उस इंटरवल में, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, एक दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप चेक कीजिए पाई बाई टू से पाई के बीच में, पाई बाई टू से पाई के बीच में, पाई बाई टू से पाई के बीच में आप ये देख पा रहे होंगे ना कि ये साइन एक्स ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद पाई बाई टू से पाई का, पाई बाई टू से पाई के बीच में ये देखेंगे कॉस एक्स फंक्शन भी क्या कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, दोनों साइन एक्स भी डिक्रीज कर रहा है और कॉस एक्स भी डिक्रीज कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन क्या कर रहा है ना, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है कि जीरो और टू पाई के बीच में पहले तो आप साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन को स्केच कीजिए, उसके बाद आपको बताना है कि किस इंटरवल में, किस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमने देखा कि बी ऑप्शन पाई बाई टू से पाई के बीच में दोनों फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ना, दी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज रूट अंडर थ्री, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आप लोगों को पता है ना, रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, रूट अंडर थ्री दे रखा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर थ्री अपॉन फोर साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर थ्री कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस टू। और आप ए क्या कर, ए इक्वल टू माइनस टू ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी पेरीमीटर साइड क्या होता है, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो आपको ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जब इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई होता है ना, तो इसके तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक साइड आपको टू पता चल गया तो ऑलरेडी है कि आपका सेकेंड थर्ड साइड सब टू टू होगा। तो जब इसका पेरीमीटर आप पेरीमीटर जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका, टू प्लस टू प्लस टू आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बस इसमें आपको ये फार्मूला से पता होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये फार्मूला क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एंगल पी क्यू आर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन सो डैट द राइट एंगल इज एट पी एंड लाइन पी आर इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि आपको राइट ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर आपको कंस्ट्रक्ट करना है किसमें, एक्स वाई प्लेन में, जिसमें से आपको दे रखा है कि राइट एंगल एट पी एंड लाइन पी आर इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले तो इतना काम कीजिए, आप मान लीजिए कि आपके पास कोई एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, जहाँ पे एक लाइन क्या है पी आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, ठीक है, और राइट एंगल एट पी दे रखा है, ठीक है, राइट एंगल क्या है पी पे दे रखा है। तो कुछ ऐसा कुछ आपको नजर आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्यू आ गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर आर टू बी इंटीजर्स, जो आपका ये जो कोऑर्डिनेट है ना पी क्यू आर, ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या आपका कोऑर्डिनेट है ना, तो ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका इंटीजर्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका इंटीजर्स होना चाहिए। दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, एक्स क्या है आपका, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर और लेस देन इक्वल टू कितना है आपका फाइव है,
एंड वाई इजकल टू क्या है आपका, ग्रेटर देन इजकल टू 6, लेस देन इजकल टू 16। वाई की वैल्यू, वाई क्या है आपका, ग्रेटर देन इजकल टू 6 और लेस देन इजकल टू 16 है। तो हाउ मेनी डिफरेंट एंगल कुड बी कंस्ट्रक्टेड विद दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको बताना कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये वाली कंडीशन से, ठीक है। ये वाली कंडीशन से हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज बताइए, सबसे पहले आपको पी की च्वाइसेस देखिए कि पी के कितने टोटल नंबर ऑफ च्वाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखिए आप, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 10 हो जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब इसको आप काउंटिंग करेंगे ना माइनस 4 से 5 तक, तो ये हो जाएगा 10 और 6 से लेकर 16 तक जब इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 11। पहले आप देखिए कि टोटल नंबर एक्स की, एक्स के लिए कितने चॉइसेस है आपके पास, टोटल चॉइसेस फॉर एक्स, टोटल चॉइसेस कितना हो जाएगा आपके पास एक्स के लिए, ठीक है। इसके लिए आप चॉइसेस देखेंगे एक्स के लिए, तो टोटल चॉइसेस कितने हो गए आपके पास एक्स के लिए, 10 चॉइसेस हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और वाई के लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगे, वाई के लिए भी तो आपके पास टोटल 11 चॉइसेस हो जाएंगे, तो क्रॉस क्या हो गया आपका 11, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपने यहाँ पे x की वैल्यू जो भी लिया है, x की वैल्यू आपने यहाँ पे ले लिया, तो आपको पता है ना ये लाइन क्या पैरेलल टू y एक्सिस है, ये लाइन क्या पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये वाली लाइन पे हर जगह x की वैल्यू तो सेम होगा ना, y वेरी करेगा बट x क्या होगा वो तो सेम ही होगा, x क्या होगा वो तो सेम ही होगा यहाँ पे, ठीक है। x सेम होगा तो y, और y यहाँ पे y के लिए कितने चॉइसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x के लिए कोई चॉइसेस नहीं बचा ना, यहाँ पे x की चॉइसेस कितना हुआ, x की चॉइसेस को यदि आप काउंट करेंगे तो वही तो चॉइसेस हुआ x का, क्योंकि x यहाँ पे वैल्यू वही होगा, जो वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे भी होगा, तो x के पास कोई चॉइसेस नहीं है, तो हम मान लिए कि वन चॉइसेस है, ठीक है। आप देखिए y के लिए y वेरी कर रहा, बट आपको y ये जो आपने p को y दिया है ना वो y यहाँ नहीं दे सकते, तो आपके पास टोटल ऐसे y की जो रेंज है वो 11 है, बट आपको यहाँ पे जो y दिए वो यहाँ पे आप नहीं दे सकते, तो आपके पास y के कितने चॉइसेस बचे, तो 10 ही तो चॉइसेस बचे, तो क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो ये लाइन क्या पैरेलल टू, ये लाइन क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई तो सेम होगा, जो पी का वाई होगा वही यहाँ पे वाई एक्स, सॉरी जो पी के लिए जो आपने वाई दिया है ना वही आर के लिए भी वाई होगा, तो आपके पास वाई के लिए कोई चॉइसेस नहीं होगा, बट हाँ एक्स के लिए चॉइसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, एक्स क्या होता है वेरी कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है आपको वेरी कर रहा है, तो एक्स के लिए टोटल कितने चॉइसेस है आपके पास, 10 है, बट जो एक्स यहाँ पे आपने जो एक्स आपने यहाँ पे दिया है ना, जो एक्स यहाँ पे दिया वो तो आप यहाँ दे नहीं सकते, ये दे दिए एक्स वही सेम दे देंगे, तो ये पॉइंट इससे कॉन्साइड हो जाएगा, तो आप वो वाली नहीं दे सकते, तो इसके पास 10 चॉइस है एक्स के लिए, तो इसके पास कितने चॉइसेस हो जाएंगे, 9 चॉइसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस 9 कर देंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा आपका, 100 क्रॉस 99, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9900 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड ठीक है। तो टोटल डिफरेंट एंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड कितना हो जाएगा आपका 9900 हो जाएगा ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए आपको क्या है ना कंडीशन दे रखा है कि पीआर लाइन क्वेश्चन में दे रखा है कि पीआर क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस के है और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो ये एंगल पॉइंट पी पे क्या होगा राइट एंगल बन रहा है ठीक है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है। और आपके पास एक्स का जो रेंसेट दे रखा है ना वो माइनस 4 से 5 दे रखा है और वाई के लिए क्या किया है 6 से लेकर 16 तक दे रखा है। आप जब माइनस 4 से 5 तक काउंट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और वाई को 6 से लेकर 16 तक जब काउंट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं पी के चॉइसेस देखते हैं, तो पी के पास क्या होगा एक्स के लिए कितने चॉइसेस होगा 10 चॉइसेस होगा ठीक है।
पी के लिए एक्स का कितना चॉइसेस होगा, 10 होगा, ठीक है। उसी तरह फिर वाई के लिए कितना चॉइसेस होगा, 11 होगा चॉइसेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, 11 दे दिया। अब जब क्यू की जब बारी आएगी, तो हमारे पास क्या होगा ना, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होगा, सेम होगा वाई एक्सिस, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस के है। तो ये इस लाइन पे हर पॉइंट जब चेक करेंगे ना, तो वाई एक्सिस तो वेरी करेगा इस पे ना, इस पे क्या होगा, वाई एक्सिस क्या करेगा, वेरी तो करेगा, बट एक्स एक्सिस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एक्स चेंज नहीं होगा इस वाले पॉइंट पे ना, एक्स क्या होगा, हर जगह सेम होगा, क्यू वेरी करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स के लिए कोई चॉइसिस ही नहीं है, तो हमने 1 कर दिया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे वाई के लिए कितने चॉइसेस है, पहले तो 11 चॉइस था, तो यहाँ पे जो आपने वाई जो पुट किया, कोई भी वैल्यू जो पुट किया, वही सेम आप यहाँ भी चेक करेंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा, इससे तो कॉन्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, एक चॉइस कम हो जाएगा, पी के पास जितना वाई के चॉइसेस हैं उससे एक कम हो जाएगा, तो इसके पास टोटल कितने चॉइसेस हो गए, तो 10 चॉइसेस हो गए, ठीक है। अब जब R की जब बारी आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा ना, Y क्या होगा, इस लाइन पे पैरेलल टू एक्सिस है ना, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगा ना, यहाँ पे X की वैल्यू वेरी तो करेगा, बट Y क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा। तो Y के लिए तो एक ही चॉइसेस हो गया, बट X के लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगे, जो आपने P के लिए, क्या होगा, जो वैल्यू आपने P के लिए X की वैल्यू को आपने रखा, वो तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, आपके पास क्या होगा ना, एक क्या होगा, कम हो जाएगा, P के पास X के लिए जितने चॉइसेस था ना, उससे एक कम हो जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे P के लिए 10 चॉइसेस था, तो R के लिए X के कितने चॉइसेस होंगे, तो 9 होंगे। तो हमने क्या किया, क्रॉस 9 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, आपका करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है।